31 अक्टूबर इस देश के महापुरुष भारत की एकता को ही जिन्होंने अपने जीवन का मंत्र बनाया, जी के दिखाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती का पर्व है। उन्होंने एक उद्देश्य निश्चित कर लिया और फिर केवल उसी और पूरी दृढ़ता के साथ वो बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। देश को एक करने का यह कार्य सिर्फ वही कर सकते थे जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहां सभी लोग समान हो। उन्होंने कहा था, जाति और पंथ का कोई भेद हमें रोक न सके, सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं, हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और पारस्परिक प्रेम और सद्भावना पर अपनी नियति का निर्माण करना चाहिए। सरदार साहब का यह कथन आज भी हमारे न्यू इंडिया के विजन के लिए प्रेरक है, प्रासंगिक है। और यही कारण है कि उनका जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश को एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप देने में उनका योगदान अतुलनीय है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके लिए 125 करोड़ देशवासियों का सामूहिक पुरुषार्थ आवश्यक है। निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर के चलना आवश्यक है। हमारी गति को समय की मांग के अनुसार तेज करने की आवश्यकता है और वो प्रेरणा हमें सरदार साहब से मिलती है। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल।